दोस्तों नॉर्मली दो टाइप का बार कोड सबसे ज्यादा पीओ में चलता है एक कोड 128 और एक कोड 39, ठीक है जी इसका दोनों का हमने एक बार प्रिंट करके हम देखेंगे क्या डिफरेंस आती है और बार कोड के बारे में और कुछ बोलना चाहता हूं मैंने जो बार कोड जो है आपको यूपीसी बार कोड होती है ई आई एन बार कोड होती है ठीक है जी यू पी सी बार कोड जो नॉर्मली कैनाडा एंड यू एस ए के लिए जो सबसे ज़्यादा वहाँ यूज़ होती है और ये इंडिया में अमेजोन वाला भी सबसे ज़्यादा यूज़ करती है ये यू पी सी बार कोड आपने खरीदना पड़ता है और दूसरा क्या है ई एन है ना ई एन बार कोड भी आपको यानी एक एट डिजिट का भी है एक थर्टीन डिजिट का भी है यू पी सी बार कोड मेरे ख्याल से ट्वेल्व डिजिट का है ठीक है ना ये एक स्टैंडर्डाइजेशन का यानी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी वाला लगा देता है लेकिन आपने जब ये सुपरमार्केट या ग्रोसरी वगैरह या आपका जो खुद का बिजनेस है या जो भी है इंटरनेशनल लेवल में सेल नहीं कर रहे आपने तो आपको नॉर्मल बारकोड यानी अपना कंप्यूटर में बनाने वाला बारकोड ठीक है आप कोई भी नंबर डाल दीजिए वो नंबर के हिसाब से बार कोड बना के प्रिंट कर दीजिए है ना वो जो यू पी सी बार कोड एंड ई आई एन बार कोड जो भी कहता है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता है यानी वर्ल्ड में वो जो नंबर एक ही होता है रिपीटेड नहीं होता है वो कोई एक आदमी यूज़ करता है दूसरा लोग यूज़ नहीं करता वो सेपरेट टीम होती है वो प्रोवाइड करने वाला वो आपको अमेजोन से ही परचेज करने मिल जाती है हंड्रेड यू पी सी बार कोड के लिए आपको शायद वन हंड्रेड थर्टी रुपीज़ कुछ पेमेंट देना है तो एक अलग बात है तो हमारा मतलब कहना यही है हमको जो सुपर मार्केट या ग्रोसरी वगैरह जो बिलिंग करती है हमको एक बारकोड का जरूरत है उसमें मेनली क्या है उसको रीडिंग रीडबलिटी मतलब हमने स्कैनर लेके जाएंगे पटाख से इसका रीड करना है नंबर वन इसके लिए इसका जो फोंड बारकोड का जो फोन सेटिंग्स होती है बारकोड का मेनली दो तीन फोन होती है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती है कोड वन ट्वेंटी एट कोड वन ट्वेंटी एट दूसरा कोड है कोड थर्टी नाइन थ्री ऑफ नाइन भी कहता है उसके उसके साथ कोड थर्टी नाइन का और एक क्वेश्चन थ्री ऑफ नाइन तो so मेनली आपको सबसे आपका अंडरस्टैंडिंग में आप समझिए आप अपना सुपरमार्केट के लिए आप कोड 39 लगाना चाहते हो या कोड 128 लगाना चाहते हो है।, है ना इसमें कोड uh, 128 और कोड 39 में कोई प्रॉब्लम नहीं है सब दोनों बढ़िया से चलता है लेकिन आपको जैसा छोटा uh, सा बार कोड है जैसा आपका uh, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत छोटा छोटा आते हैं उसको आपसे आपको कोड वन बहुत ठीक होता है और कोड 39 नाइन बार कोड कई कई प्रिंटर में शूट नहीं होता जैसा प्रिंटर का नाम नहीं मैं बोल रहा हूँ मैंने गलत है वो लेकिन कोई कोई प्रिंटर में वो प्रॉपरली प्रिंट नहीं होता है वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसका हमने बहुत एक्सपीरियंस करके देखा ये ये जो जितना भी मैंने कहता है ना जी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस का ये मैंने किधर पढ़ाई करके यानी किधर बुक पढ़ के नहीं मेरा खुद का एक्सपीरियंस का जो रिजल्ट मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों अच्छा अभी हमने क्या है आपका सुपरमार्केट या रिटेल बिजनेस जो भी है उसके लिए ब्यूटीफुल बारकोड कौन सा उसको एक बार प्रिंट करके देखेंगे और उसके साथ ही साथ हम थोड़ा सा उसको डिजाइन करने के लिए भी सीखेंगे दोस्तों इसलिए देखो हमारे पास आ, देखो अपना जो रेंड राइट पीओ एस बिलिंग सॉफ्ट ब्यूटीफुल यूज ऑफ फ्रेंडली इंटरफेस के साथ हम इसको थोड़ा सा बारकोड में जाएंगे दोस्तों ये देखो इधर राइट साइड में बारकोड है दोस्तों जितनी भी प्रोडक्ट्स इसके अंदर है इसको आपको बारकोड बना सकता है ये आपका ये जो सॉफ्टवेयर में एक फैसिलिटी ऐसा है समझ लीजिए कोई भी यू पी ये ना जो भी कंपनी बारकोड होती है उसको स्कैन करके इसके अंदर अपलोड कर सकता है और इसका जो भी फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट्स को बारकोड है ही नहीं है तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना ऑटोमेटिकली आपको बारकोड बना के देती है यानी सिस्टम जनरेटेड बारकोड और आपको अगर चाहिए हमको वन थाउजेंड वन वन थाउजेंड टू वन थाउजेंड थ्री इस तरीके से जो फोर डिजिट कवार कोड चाहिए वो भी आपको इन, इनके इस कस्टमाइज बना सकता है सब कुछ इसका ऑप्शन है जब भी प्रोडक्ट डालने के टाइम ये सब आप अपना हैंडल कर सकता है ये फैसिलिटी इसके अंदर तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो ये जो पेज आपको खुल के आते हैं देखो यहाँ आपको आपको कितना नंबर ऑफ कॉपीज आपको चाहिए यहाँ डाल देना हाँ आपका परचेज सेंटर सबसे ऊपर डालने से ऑटोमेटिकली वो परचेज सेंटर में कितना है वो सक्रिएट करके प्रिंट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल इसको दो या तीन पीस आपको चाहिए हमने दो करके इधर टाइप किया देखिए चू टाइप कर दिया मैंने सीधा सीधा अपने हाथों से और इसमें लेफ़्ट साइड में टिक कर दिया और ये वाला जो कस्टम बार खोल दिया ये जो सिंगल बार कोड है दोस्तों और मैंने जो यहाँ मेरा जो ये जो स्टिकर है ना डबल डबल ये जो मैंने एक बार पहले प्रिंट किया था उसका सेंटर में प्रिंट आया हम अभी ये भी सीखना है इसको यानी इसमें प्रिंट करना, इस करना है इसमें प्रिंट करना है एक ऐसा होगा क्या डिजाइन करना पड़ेगा उसको पहले हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसी को एक बार प्रिंट करके देखते हैं तो इसको हमने देखो जरूर प्रिंट बटन में सबसे ऊपर आपने देखा ना ये देखिए यहाँ देखिए सबसे ऊपर एक प्रिंटर का बटन आपको दिखाई देती है उसको क्लिक करिए क्लिक करने के बाद आपके जितना भी प्रिंटर अवेलेबल प्रिंटर जरूर दिखाई देती है एक बार आपने प्रेफरेंसेस में जाना है दोस्तों ये देखिए इसमें आपने देखो एडिट करके यानी फिफ्टी एम mm, इसका जो वृथ जो है ना फिफ्टी एम एम यानी इंटू ट्वेंटी फाइव एम mm का है ठीक है जी? नहीं एक बार प्रिंट कर देते हैं और लेकिन इसका सेंटर में प्रिंट आएगा लेकिन मैं आपको सीधा सीधा दिखा रहा हूँ क्या मिस्टेक आएंगे और वो मिस्टेक को हम किस तरीके से दूर कर सकता है ये मिस्टेक सीखना बहुत जरूरी है जो भी आ, मतलब प्रॉपर काम करने के पहले हम इसको देखो कैमरा को इधर चालू कर देते हैं आप देख लेना दोस्तों मैंने लाइव काम कर रहा हूँ दोस्तों देखिए इसमें क्या मिस्टेक है ये जो दोनों स्टिकर के बीच में प्रिंट आया ये हमारा कोई काम का नहीं ठीक है जी और ये मिस्टेक हमने किस तरीके से ठीक किया जाती है ये आपको मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों देखिए इसको आपने इसको क्लोज करिए रेंटक तक पीओ इस बिलिंग सॉफ्टवेयर में एक फैसिलिटी है दोस्तों आपको बार कोड या लेबल एडिट कर सकता है आप सीधा सीधा देखो देखो अभी हमने, हमने मैटर से नहीं किया मैटर हमारा क्या है कोड वन ट्वेंटी एट एंड कोड थर्टी क्या है वो भी आपको सामने लेके आ रहा हूँ दोस्तों देखो एडिटेबल मोड बोल के एक ऑप्शन है इसके अंदर देखो बार कोड एडिट मोड कस्टम बार कोड में आपने क्लिक करिए तो एक पेज आपको एक ये जो है आपका एक, एक क्या नाम है इसका एक, 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 एक स्टूडियो है स्टूडियो इसको थोड़ा सा आपको चाहिए तो जूम करके बढ़ा कर दीजिए आपको ताकि प्रॉपरली दिखाई देती है वन टू हंड्रेड ज़्यादा हो गए टू टू हंड्रेड करेंगे चलो ये आपको ये जो बारकोड जो प्रिंट आया ये ही बारकोड प्रिंट आया इसको हमको सामने सामने दो दो करना है क्योंकि हमारा जो स्टिकर जो है सामने सामने है उसको कैसे करेंगे ये पेज में रखे राइट क्लिक करो और आपने देखो डिजाइन में जाइए और पेज सेटअप में जाइए पेज सेटअप में आपको देखो इधर हॉरिजॉन्टल में आपको क्या दिख रहा है जी अभी टू इंच हमारा लेकिन ये फोर इंच यानी टू प्लस टू फोर इंच हो गया ना जी आपका देखो यहाँ आपने फोर इंचस ये इंजस में है ठीक है जी फोर uh, ये हमने इंजस इधर सेलेक्ट किया इसलिए करके इंजस में आया हुआ है चलो ये इंजस कर दिया ओके कर दिया चलो बढ़ बढ़ गया ना ये पेज का साइज़ बढ़ गया इवन हाइट भी आपने कर सकता है ब्रथ तो भी आपने इस तरीके से डिजाइन कर सकता है तो देखिए ये जो कोड जो है आपने ये जो बार कोड में अगर क्लिक करते हैं सबसे ऊपर उधर लिखे है क्या आया देखिए बारकोड का फोन कोड वन अच्छा मैंने इसको ठीक सामने और एक बना दे रहा हूँ इसको सब कॉपी करके इधर रखेंगे मात्र बार कोड हमने उसको कोड तटेडेंट को लगा देते हैं आपको दिखा देता हूँ डोंट वरी देखिए आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों देखो ये आपने इधर से कॉपी करो ये रुपया का सिग्नेचर भी कॉपी साइन भी कॉपी करिए देखो ये इधर रखो ठीक है अभी हम ये सेकंड वाले यानी ये जो लाइन आपको फॉर एग्जांपल ये पोर्शन एक बार कोड है और ये पोर्शन ये एक बार कोड हो जाता है ठीक है जी समझ में आ गया ना अल्ट्रास्टैंड नहीं आ गया ना आपका चलो ये इधर ब्लैंक है अभी इसको इंसर्ट कर देते हैं और टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कर देता है देखिए और ये ये जो कोड 128 है इसको स्टार स्टार का जरूरत नहीं ले, लेकिन कोड 39 को स्टार लगाना ज़रूरत है इसलिए करके आपने दो स्टार लगाइएगा किधर स्टार अपना यस दो स्टार लगाया और इसको बीच में क्राउसर रखिए और देखिए ना सिंपल है आप देखो बार कोड बोल के देखो इधर जो बार कोड दिखाई देता ना ये वाला ये कोड थर्टी नाइन का फोन है मात्र फोन डालने से काम नहीं करता जी सॉफ्टवेयर के अंदर से एक प्रोग्राम होता है जो भी वो चेंज करके तभी काम करते हो इसको पूरा सेलेक्ट करके है ना इधर देखो आपको ये सी ओ नहीं आई डी ऑटोमेशन कोड थर्टी नाइन ये ये हमने डाल दिया कोड थर्टी नाइन आपको दिखाई दे रहा है इधर देखिए थर्टी नाइन आइडिया आटोमेशन कोड थर्टी नाइन ये क्या होता है नॉर्मल थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है ये थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है कंपेयर टू अपना कोड ट्वेंटी नाइन कोड ट्वेंटी एट में क्या होता है ना कोड वन ट्वेंटी एट में क्या होता है थोड़ा सा कोड वन ट्वेंटी एट का लिंक यहाँ है दोस्तों देखिए है ना तो वो किसके यहाँ डाल दिया मैंने ऑलरेडी पहले से डाल रखा है इसको भी हमने एक बार प्रिंट करके देखते हैं ठीक है ना ये भी आ गए और वो भी प्रिंट करके देखते हैं चलो हम प्रिंट करके देखते हैं कि क्या कैसा दिख रहा है आपको क्या है देखेंगे इसको सेव कर दीजिए एक बार देखिए एक बार इसको सेव कर दीजिएगा क्लोज करिए इसको और आपने वापस प्रिंट मोड में आ जाना दोस्तों देखिए प्रिंट मोड और आपको जो इसको देखो इसको ऑलरेडी हमने क्वांटिटी तो डाला हुआ है लेफ्ट साइड में और कस्टम बारकोड में मैंने क्लिक कर दे रहा हूँ देखो क्वांटिटी यहाँ ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट हमने पहले डाला था उसी अगर है ही नहीं तो अपने दोबारा डाल देना अभी आपने देखने से भी आपको समझ में आ जाएंगे देखो ये ऐसा दिख रहे हैं ये ऐसा दिख रहे हैं तो ये जो राइट साइड वाला जो बार कोड जो होता है ना जी इसको कहता है कोड थर्टी नाइन ये कोड वन ट्वेंटी एट इसका लाइनिंग में थोड़ा सा फ़र्क है देखिए लाइन में थोड़ा सा फर्क आपको दिख है ये जो कोड थोड़ा सा मतलब है यानी पत, बिल्कुल पतला वाला लाइन है ही नहीं इसके अंदर बहुत बिल्कुल पतला वाले है। इसमें क्या होता है ना जो कोई कोई प्रिंटर क्या इतना लाइन प्रिंट प्रॉपरली नहीं करता इवन आपका जो रबन खराब होता है रबन पुराना भी होती है तो भी आपको दिक्कत देता है वो चलो कोई बात नहीं इसको हमने एक बार प्रिंट करके देखते हैं और यही प्रिंटर में हम प्रिंट कर देते हैं इसको प्रफरेंसिस में जाकर के इसको एडिट करिए एक बार इसको बिट तो गया अभी हंड्रेड और इसको यानी हाइट हंड्रेड एम एम इंटू ट्वेंटी फाइव एम 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 में आ गया हुआ ठीक है जी और इसको हमने स्ट्रोक में आपको लेबल विथ मार्क्स कर दिया ओके okay कर दिया अप्लाई कर दिया मैंने प्रिंट कर रहा हूँ दोस्तों देखिएगा प्रिंट चालू कर रहा हूँ देखिए अभी किस तरीके से प्रिंट आ रहा है अभी वो रिबन थोड़ा सा फटाउ मतलब बेंड हो चुका है इसलिए करके वो आया हुआ है मैंने दो तीन प्रिंट और दे रहा हूँ देखिए अंदर सर रुबन थोड़ा सा फोल्ड है इस ले करके वो देखिए अभी आप देखिए ये आया ये आया इसको थोड़ा सा ऊपर एडजस्टमेंट करना है वो सब कुछ आपने थोड़ा तो मतलब बैठ करके उसको सेटिंग कर सकता है लेकिन आपने देखा है ना जी उसका जो ये जो फिनिशिंग आप देखिए मैंने थोड़ा सा और तीन चारों प्रिंट कर देते हैं हम देखिए इसको थोड़ा सा ऑफसेट डालने से आपको थोड़ा सा ये ऊपर कर सकता है या नीचे कर सकता है अभी थोड़ा सा इधर देखो नीचे सामने सामने आया हुआ लाइन वो आने से अच्छा नहीं है उसको थोड़ा सा उसको ऊपर कर सकता है यानी इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकता है ये आप देख सकते हैं अभी यानी फ़िलहाल देखिए ये जो कोड वन ट्वेंटी एट है उसका बार कोड आपको दिखाई देती है ठीक है जी और ये जो आपको दिख रहा है यानी कोड थर्टी नाइन ठीक है जी दोनों इस तरीके से आती हैं दिखने में ऑलमोस्ट सही में लेकिन जब भी अपना सॉफ्टवेयर के अंदर से सॉफ्टवेयर के अंदर से इसका कोडिंग होगा तभी जा करके ये रीड होगा अनलेस अदरवाइज रीड यानी बारकोड स्कैनर से स्कैन करेंगे रीड नहीं करेंगे तो ये समाधान है दोस्तों और ये जो कस्टमाइज ऑप्शन जो है आपको कोई भी साइज़ का बारकोड कोड आपने या लेबल आपको बना सकता है इसमें आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे ये जो प्रोडक्ट का नेम और जो बारकोड का नंबर सब कुछ ऑटोमेटिकली आती है दूसरा एक प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करेंगे नेम वगैरह प्राइस वगैरह तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है एक बार आपने टेम्पलेट बना दीजिए बस टेम्पलेट भी आपको एडिट करने के लिए ऑप्शन है यही है दोस्तों रिंगडक पीओ एस बिलिंग सॉफ्टवेयर द ब्यूटिफुल बिलिंग सॉफ्टवेयर और इसमें इतने सारे ब्यूटिफुल फीचर्स ऐड किया दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू बाय